सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिलते रहे नए अपडेट्स हमारे नेक्स्ट वीडियो के। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सकैवेशन एक्टिविटी के बारे में। साथ ही हम देखने वाले हैं कि एक्सकैवेशन एक्टिविटी के वक्त कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ता है और उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सकैवेशन यानी कि होता क्या है। अब जानते हैं कि एक्सकैवेशन की डेफिनेशन क्या है। एक्सकैवेशन एक मैनमेड कट है जिसमें ट्रेंच फॉर्म होता है या फिर जो अर्थ सरफेस है उसमें डिप्रेशन होता है। जब भी आप अर्थ को रिमूव करते हो, वो चाहे मैनुअली करो या फिर किसी भी मशीनरीज का इस्तेमाल करके वो आप अर्थ रिमूवल कर सकते हो। मैनुअल एक्सकैवेशन यानी कि आदमी के जरिए वो अर्थ रिमूवल करना, और मैकेनिकल एक्सकैवेशन यानी कि किसी भी मशीनरीज का इस्तेमाल करके अर्थ रिमूवल करना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक्सकैवेटर हो, जेसीपी हो, इसका इस्तेमाल अगर आप अर्थ रिमूवल के लिए करते हो तो वो मैकेनिकल एक्सकैवेशन में आता है। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सकैवेशन एक्टिविटी के वक्त आपको कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन कर रहे हो तो जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है वो एक खतरा है। फिर उसके बाद है एक्सकैवेशन केबिन, यानी कि जो एक्सकैवेशन वॉल है वो कोलैप्स होने के चांसेस है, तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन कर रहे हो तो वहां पर एक्सकैवेशन के दौरान नीचे में टॉक्सिक गैसेस होने की संभावना बढ़ जाती है, तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ टूल्स, ये जो सारी चीजें हैं वो एक्सकैवेशन पीट में गिरने का खतरा है, तो ये भी एक हजार्ड है। फिर है फॉलिंग ऑफ रिमूव सॉइल, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन करते हो और एक्सकैवेशन के बाद जो भी सॉइल है वो आप क्या करते हो कि एक्सकैवेशन के एज पर रखते हो, तो वो एक्सकैवेशन के एज पर जो सॉइल रखी हुई है, जो रिमूव सॉइल है, तो वो भी एक्सकैवेशन पीट में गिरने का खतरा है, तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है वाटर अकुमुलेशन इन द एक्सकैवेशन, यानी कि मान लो कि पानी का सीजन है और उस दौरान आपने एक्सकैवेशन कर लिया तो वो जो पानी है उस एक्सकैवेशन पीट में अकुमुलेट हो जाएगा, यानी कि जमा हो जाएगा, तो वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है नियर बाय स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक्सकैवेशन आप ऐसी जगह पर कर रहे हो कि वहां पर नियर बाय स्ट्रक्चर्स है, तो उस एक्सकैवेशन की वजह से वो जो नियर बाय स्ट्रक्चर्स है वो उसमें गिरने का खतरा बढ़ जाता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस, जब भी आप एक्सकैवेशन करते हो तो उसके साथ में आपको एक्सेस और इग्रेस का सामना करना पड़ता है, तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है फ्लूडिंग, यानी कि बाढ़ आ जाना, वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है कन्फाइंड स्पेस, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन कर रहे हो और एक्सकैवेशन के दौरान उसकी जो विड्थ है और जो लेंथ है वो अगर मान लो ज्यादा है, यानी कि 1.2 मीटर से ज्यादा है, तो वो कन्फाइंड स्पेस में आएगा, तो वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है ओवरहेड लाइंस, यानी कि मान लो कि जब भी आप मैकेनिकल एक्सकैवेशन कर रहे हो और उसके लिए आप एक्सकैवेटर का इस्तेमाल करते हो तो उसकी जो हाइट है वो कहीं ज्यादा हो जाती है, और अगर उसी जगह पर कोई ओवरहेड पावर लाइंस अगर ऊपर से गई हो तो वो जो एक्सकैवेटर का जो बकेट है या फिर जो उसका बूम है वो उस पावर लाइंस को टच हो सकता है। अगर वो उसको टच हो गया तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो वो भी एक हजार्ड है, यानी कि ओवरहेड पावर लाइंस जो है वो एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है फॉलिंग ऑफ व्हीकल्स, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन कर रहे हो तो उसके नजदीक जो भी व्हीकल जा रही है तो वो व्हीकल उस एक्सकैवेशन पीट में गिरने का खतरा होता है, तो ये भी एक हजार्ड है। उसके बाद है सरफेस और ग्राउंड वाटर, यानी कि एक्सकैवेशन के दौरान अगर आपको उस सॉइल कंडीशन के बारे में, यानी कि उस सरफेस के बारे में अगर पता ना हो या फिर अंडरग्राउंड वाटर हो, तो वो भी एक खतरा है। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सकैवेशन के दौरान आपको कौन से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है उसको स्कैनिंग करना है, तो ये सबसे पहले आपको प्रिकॉशंस लेनी है। फिर उसके बाद आपको ट्रायल पिट बनाना है, यानी कि आपको स्कैनिंग करके पता चल गया कि यहाँ पर जो है लाइव केबल है या फिर लाइव फैसिलिटी है, तो उसके बाद आपको ट्रायल पिट बनाना है उस, और वो जो ट्रायल पिट है वो आपको मैन्युअली करना है। फिर उसके बाद है कि आपके पास उस एरिया की जो है वो रिलेवेंट ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए, और जैसे ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है तो उसके साथ आपको मार्किंग भी करना है। फिर उसके बाद है जो एक्सकैवेशन सॉइल है वो जो है वो पीट में गिरने का खतरा होता है, तो उसके लिए आपको स्लोपिंग और बेंचिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। फिर उसके बाद जो एक्सकैवेशन वॉल है
उसको गिरने से बचाने के लिए आपको शोरिंग और बेंचिंग करना बहुत ही जरूरी है, और वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है। अगर टाइप ऑफ सॉइल जो है वो ज़्यादा लूज है तो उसके लिए आपको शोरिंग और शील्डिंग करना बहुत ही जरूरी है। जहाँ पर भी आपको एक्सकैवेशन करना है वहाँ पर आपको रेगुलर गैस टेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका एक्सकैवेशन हो गया तो वहाँ पर हार्ड बैरिगेशन करना है और उसके साथ में जो सेफ्टी साइन बोर्ड है वो लगाने हैं। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर भी आपने एक्सकैवेशन किया है और उसके नियर बाय कोई रोड है तो आपको जो है वो अल्टरनेट एक्सेस देना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद है कि मान लो कि पानी का सीजन है तो आपको उस एक्सकैवेशन के इर्द गिर्द में एक बंडल वॉल जो है वो क्रिएट करनी है ताकि आउटसाइड का जो पानी है वो उस एक्सकैवेशन में जाने ना पाए। और इनकेस अगर मान लो कि एक्सकैवेशन पीट में पानी अगर जाता है तो आपके पास उसके लिए डीवाटरिंग पंप होना जरूरी है ताकि वो जो पानी है तो आप इजीली डीवाटरिंग पंप का इस्तेमाल करके बाहर निकाल सको। फिर उसके बाद आपको जो एक्सकैवेशन है वो अगर मान लो कि 1.2 मीटर से अगर ज़्यादा गहरा हो जाता है तो वो कन्फाइन स्पेस में आ जाता है, तो उसके लिए आपको कन्फाइन स्पेस के जो भी प्रिकॉशंस है तो वो लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर आपको जो एक्सकैवेशन पीट है उसके लिए आपको सेफ एक्सेस और एग्रेस प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी आपने एक्सकैवेटेड सॉइल जो एक्सकैवेशन एज पर रखी हुई है या फिर जो भी मटेरियल आपने एक्सकैवेशन एज पर रखा है उसको आपको रिमूव कराना है। एक्सकैवेशन के दौरान आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ के जो इर्द गिर्द है वहाँ पर व्हीकल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए या फिर उसको आपको अवॉइड कराना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सकैवेशन क्या है, उसके हजार्ड्स क्या है और उसके क्या प्रिकॉशंस है ये सब पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।